नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो भैया, आज कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आप लोग जो है वो एक प्रकार से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। देख ऐसे रहा हूं कि जो आपके कमेंट आ रहे हैं ना, हालांकि देखो सभी कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि सुबह से शाम तक मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन आपके जो कमेंट देखता हूँ उन कमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे आप टेंशन में आ रहे हो। आपको कोई कुछ भी कह रहा है आप उसकी बातों में आ रहे हो, कोई से भी क्वेश्चन आ गए आप उन क्वेश्चनों को देख रहे हो, आप मेन जो चीज है उसको तो आप छोड़ रहे हो और अदर कहीं से कुछ भी आपको जो मिल रहा है उसको आप अपनाने की कोशिश कर रहे हो। सर ये करा दो, सर वो करा दो, सर इसको पढ़ा दो, सर उसको पढ़ा दो, सर वो क्वेश्चन भेज दो, सर ये क्वेश्चन भेज दो। ऐसा नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूंगा, जो कक्षा 12 बोर्ड विद्यार्थी है, चाहे कक्षा 10 के हो या 12 के हो, सभी इस वीडियो को पूरा देखना। आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आपके दिमाग में जितनी भी टेंशन है, जितनी भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स है, जो भी शंकाएं है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। आपका खुद का ऐसा मन करेगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखो अपने हेडिंग भी आज की यही है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े और क्या ना पढ़े। आज अपने इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतना सा मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो के साथ में बने रहो। आप खुद कहोगे कि सर वाकई में आपने हमारे लिए एक अच्छी हमें राय दी है, अच्छा सुझाव दिया है, अच्छा परामर्श दिया है। मानना नहीं मानना वो सब आपके हाथ बात है। देखो भैया, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपने आपकी एग्जाम की, परीक्षा कब से स्टार्ट हो रही है। सबको पता है 6 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर आपको पूछ ले कि आपकी एग्जाम कब से है तो सभी कहेंगे गुरुजी 6 मई से है। 6 मई से तो है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूछ ले कि अब दिन कितने बचे हैं, भैया आपके पास में 8 दिन तो मान लो मार्च के, 30 दिन मान लो अप्रैल के और 6 दिन मान लो वो, 8, 6, 14, 30, 44, ये दिन आपके पास में है। कितने दिन है लास्ट? 44 दिन, और इनमें से भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन तो होली वगैरह, त्योहार वगैरह, गणगौर वगैरह, बाछड़ा वगैरह, कई अपने राजस्थान में कई त्योहार है, उन त्योहारों में निकल जाएंगे। लास्ट मुश्किल से 40 दिन का समय आपके पास में बचेगा। अगर अपने 3 ऊपर के 4 दिन उड़ा दो, आपके पास में कितना टाइम बचा? 40 दिन। सब्जेक्ट कितने लिया? 5। एक सब्जेक्ट में आपको कितना दिन का समय मिला? 8 दिन का। अब मेरे ख्याल से आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 8 से कम चैप्टर है, चाहे वो पॉलिटिकल वाले हो, चाहे हिस्ट्री वाले हो, चाहे जियोग्राफी वाले हो, चाहे इंग्लिश वाले हो, चाहे हिंदी वाले हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 8 ही चैप्टर है। मतलब एक सब्जेक्ट में आपको मात्र 8 दिन का समय मिल रहा है। अब आप खुद अनुमान लगा लो कि क्या आप 8 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लोगे क्या? जिनका कवर है, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो एक लाइन लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो एक प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं, वहां से वो क्वेश्चन आ गए, वहां से वो क्वेश्चन आ गए। देखो मैं सारी चर्चा करूंगा, अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहो, सारे डाउट्स आपके, सारे प्रॉब्लम्स आपकी, सारी समस्या है उनका समाधान करूंगा। जितने भी मैंने कमेंट्स देखे हैं उन कमेंट्स के ऊपर ही आज अपनी चर्चा करेंगे। तो भैया आपके पास में एक बुक के लिए कितना समय है? मात्र 8 दिन। ये तो हो गई अपनी परीक्षा की बात। अब आप खुद अनुमान लगा लो कि 8 दिन में क्या आप पूरी पॉलिटिकल तैयार कर सकते हो क्या? 8 दिन में क्या आप इंग्लिश तैयार कर सकते हो क्या? समझ गए अब इसके लिए क्या करना है। अब बात आती है कि सर 8 दिन तो है लेकिन पढ़े कैसे, कैसे पढ़े? तो भैया देखो सीधी सी बात है, पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है? टाइम टेबल। आपको क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ होशियार स्टूडेंट्स है, कुछ
पढ़ाई के प्रति चिंतित है, जिनको लगन है उन्होंने टाइम टेबल बना भी रखा है। अगर जिन्होंने टाइम टेबल नहीं बना रखा है तो उनको मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम टेबल बता रहा हूं, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप अपने अनुसार पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो भैया टाइम टेबल कैसे बनाए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि टाइम टेबल भी कई बार क्या होता है, अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं, टाइम टेबल 15 से 20 घंटे अपने पढ़ने का दिखा देते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। टाइम टेबल एकदम इजी होना चाहिए, जिसको आप फॉलो कर सको, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सको, ऐसा टाइम टेबल आपको तैयार करना है। जैसे मैं बता रहा हूं भैया, सभी स्कूल जाते हैं, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ रेगुलर भी होंगे, कुछ घर पे तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी तैयारी करो, मेरे ख्याल से 4 से 4:30 बजे तक आप सभी लोग घर पर आ जाते हो, 4:30 मान लो या 4 बजे भी आ जाते होंगे। अब अपने को टाइम टेबल सही करना है। जैसे मान लो आप 4:30 बजे आ गए, 4 बजे आ गए, आप 5 बजे तक आराम से आप पढ़ो। जैसे मान लो 4 बजे घर पे आ गए, 4 से लेकर 5 बजे तक आप आराम से घर पे आओ, 4 बजे घर पे आ गए, घर पे आने के बाद में आप रेस्ट करो, खाना वगैरह खाओ, किसी को मान लो गली में गांव में घूमना है कि आदत है कि गुरती में तो स्कूल में आया बाद में एक बार गांव का चक्कर मार ही हूं, चक्कर मारे हो, कौन दुकान पर जा रही हो, सुपारी सुपारी खा बड़ा के बिहार का भी है, सुपारी खाया हो, कुछ भी करके आ जाओ, लेकिन आपका टाइम कितना होना चाहिए, मात्र 1 घंटा, 4 से 5 के बीच में, चाहे आप फोन चलाओ, चाहे व्हाट्सएप चलाओ, चाहे फेसबुक चलाओ, चाहे गांव में गंडक मारो, कुछ भी करो, कहने का मतलब ये है, लेकिन लास्ट कितना घंटा, 1 घंटा भैया। अब फिक्स 5 बजे आप बैठ जाओ, लेके 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ध्यान से देख लेना भैया, नेट आपको पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस, 5 से लेकर 7 तक क्या पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। हालांकि आपकी इच्छा हो तो आप हिस्ट्री कर लो, यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो जियोग्राफी कर लो, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 5 से 7 पढ़ लिया, फिर आप 7 तक पढ़ लिया, 7 के बाद में आप 7 बजे से लेके कुछ देर के लिए आप रेस्ट करो, और 9 बजे तक फिर पढ़ो आप इंग्लिश, 7 बजे तक पढ़ लिया भैया। देखो सीधी सी बात ध्यान रखना, पढ़ाई कभी भी 2 घंटे से ज्यादा व्यक्ति कंटिन्यू पढ़कर नहीं पढ़ सकता, मैं ये जानता हूं, क्योंकि अपने 2 घंटे बैठे बैठे पढ़ेंगे तो कुछ बोरिंग सी महसूस होने लग जाएगी 2 घंटे से ज्यादा, इसलिए 2 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे के बाद में आप 15-20 मिनट का गैप ले लो, और उस गैप में फोन नहीं चलाना है, उस गेप में ये नहीं कि मैं फोन ले बैठ गया, नहीं फोन नहीं लेना, आप बाहर आराम से ताजी हवा में घूमो फिरो, अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो, 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, 9 बजे से लेकर 9:30 तक आप कुछ भी कोई खाना वगैरह खाना है या मान लो आपको रेस्ट करना है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप खाना वगैरह कुछ भी आपका जो शाम का रूटीन है वो कर सकते हो, फिर आ जाओ नेट 9:30 बजे वापस, 9:30 बजे से लेके भैया आपको 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक आपको, जैसे मान लो किसी की जियोग्राफी है, तो वो जियोग्राफी पढ़ लो, 3 सब्जेक्ट हो गए, 5 से 7 एक हो गया, 7:30 से 9 एक हो गया, या और 9:30 से 11:30 तीसरा सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए, 11:30 बजे बाद में आप आराम से सो जाओ, 11:30 बजे सब बुक वगैरह बंद कर दो, क्योंकि 11:30 बजे बाद में अगर आप लेट तक पढ़ोगे तो वो सीधी सी बात है आप सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ पाओगे, 11:30 बजे सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सुबह की स्टार्ट करो, सुबह आप 5 बजे उठो आराम से, 11:30 बजे सो जाओगे आपकी लगभग 7 घंटे की नींद हो जाएगी, 6 से 7 घंटे की नींद आदमी को चाहिए, 7 घंटे की आपकी नींद हो गई, 5 बजे आप उठो, 5 से लेकर 7 बजे तक आप कोई तीसरा सब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, किसी की हिस्ट्री है मान लो तो वो हिस्ट्री ले लो, क्लियर है, 7 बज गए, फिर 7 से लेके आप 8 बजे तक आप हिंदी पढ़ लो, ये लो
8 बजे तक आप क्या पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। हिंदी में मैंने एक घंटा इसलिए दिया है क्योंकि हिंदी देखो आप अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वही अपने व्याकरण वगैरह कोई विशेष इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एक घंटा मेरे ख्याल से बहुत है अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे, क्योंकि कितना समय है अपने पास में, 44 दिन है, 44 दिन हिंदी के लिए बहुत है भैया, और इस बार तो सिलेबस भी कम है। इस अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना लो, या आप इनमें चेंजिंग करना चाहो, जैसे मैंने 7:30 से किया, आप चाहते कि गुरुजी ना 7:30 करनी, मैं तो एक घंटा और रेस्ट आएगा, 800 क्वेश्चन तो 8 से 10 कर लो, फिर 10 से 12 कर लो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आप पढ़ो आपको फोन को कम से कम आपसे 5-10 फीट की दूरी पर रख दो, या फोन को छुए मत, साइलेंट करके रख दो, फोन को नहीं देखना है भैया। देखो क्या होता है, कई बार अपने पढ़ने बैठ गए, पढ़ते पढ़ते अचानक किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, किसी का व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक चला लिया, तो वो एक बार अपने स्टार्ट कर दिया तो वो गई कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और फिर वो बातें अपने सारे दिमाग में रहती है, तो वो अपनी पढ़ाई से क्या होती है, एक प्रकार से डिस्टर्बेंस ना रहता है, अपने पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये नहीं करना है। फोन के लिए मैंने टाइम दे दिया आपको 4 से 5 का, यहाँ पर आपके पास में टाइम है, आराम से चलाओ। 9 से 9:30 का टाइम यहाँ पर है आपके पास में, 7 से 7:30 का टाइम यहाँ पर है आपके पास में, कहे किसी भी टाइम पर। और देखो आप अगर 40 से 45 दिन अगर आप फोन अपने नहीं टच करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बदलने वाला है, 44 दिन बाद में भी ये धरती ऐसी की रही ऐसी रहेगी, यहाँ धरती रहेगी, वहां आसमान रहेगा और अपने रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा इन 44 दिन में, बदलेगी तो सिर्फ आपकी किस्मत, आपकी तकदीर। अरे भैया आज ऐसा टाइम है कि 60% नंबर वालों को भी कोई नहीं पूछता है, ये वर्तमान में एक्चुअल कंडीशन है। पहले क्या होता था, जिसके फर्स्ट डिवीजन आ जाते थे तो पूरे गांव में हो जाता था कि यार उसके बारे फर्स्ट डिवीजन आ गई, आज 60-65% वालों की कोई वैल्यू नहीं है। कई कंपटीशन एग्जाम तो ऐसे हैं जहां पर 12वीं के नंबर तक जुड़ते हैं, 12वीं के परसेंटेज के आधार पर फॉर्म भरवाए जाते हैं। आप देखो कई स्कूल ऐसी है जहां पर बच्चों के 90-92-92-93-95 ऐसे नंबर आ रहे हैं, 70-60% वालों को तो आज के टाइम पे चपरासी भी नहीं बना रहे, इतना भयंकर कंपटीशन हो गया है, तो आप खुद अनुमान लगा लो कि अपने कहां पर है। तो ये तो हो गई भैया टाइम टेबल की बात, अब आगे चलते हैं, कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, टाइम टेबल से पढ़ना है भैया, और इस टाइम टेबल को फॉलो करना है 45 दिन तक नेट, इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई आपको नहीं बरतनी है, क्लियर है। अब अगली बात आती है, गुरुजी किससे पढ़े, किससे पढ़े, मतलब पढ़ने के लिए आपके पास में क्या चीज होनी चाहिए, कौन सी किताबों से पढ़े, पासबुक से पढ़ा, डेस्कवर्क को पढ़ा, यूट्यूब को पढ़ा, गुरुजी क्या सो पढ़ा, क्योंकि कई कंफ्यूज होते हैं, स्कूल में टीचर अलग बता रहा है, यूट्यूब वाला अलग बता रहा है, संजीव की पासबुक में अलग लिखा हुआ है, कोई अलग यूट्यूब वाला अलग बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चों के एक प्रकार से दिमाग में टेंशन बन जाती है, और फिर वो कमेंट करते हैं सर उसने तो ये बताया, सर मखड़ा गुरु जी वो बताया, सर किताब में वो लिखे हुए है, सर वो लिखे हुए है। तो इसका देखो सीधा सा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में भैया सीधी सी बात है, टीचर जो होते हैं, हालांकि जिनके नहीं है उनकी बात नहीं है, स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं और जिनके सब्जेक्ट टीचर है उनकी बात है, सभी टीचर आज के टाइम पे 99% टीचर जो है वो क्या लिखाते हैं, नोट्स लिखाते हैं, 99% टीचर लिखाते हैं, मैं भी लिखाता हूँ, बच्चों को क्या लिखाते हैं, नोट्स लिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, इन नोट्स को पढ़ना है, सबसे मेन काम, फर्स्ट काम तो आपको यही करना है। सेकंड बात, फिर आपको आपकी जो बुक है, चाहे वो पॉलिटिकल की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे इंग्लिश की, उसको पढ़ना है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, वर्तमान टाइम पे चल रहा है भैया, एक प्रकार से कहे तो अपने यूट्यूब का जमाना चल रहा है, सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो तीसरा आप कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी एक यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी चैनल सेलेक्ट कर लो। देखो यहां पे एक चीज रखना, यूट्यूब के ऊपर कम से कम आपको 50 से 100 चैनल मिल जाएंगे, 200 चैनल मिल जाएंगे जो 12वीं क्लास पढ़ा रहे। अब यहां पे आपको क्या करना है, आप किसी भी टीचर की, चाहे वो मैं हो या और कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही क्लास देखो,
जिसकी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ रही है, जो सरल भाषा में पढ़ा रहा है, जिसका आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि हाँ ये सही बता रहा है, जिसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ऐसा एक चैनल सिलेक्ट कर लो। बाकी जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब करके हैं सबको बंद कर दो एक बार। क्यों भैया? एक टॉपिक जैसे मैंने पढ़ा दिया राणा सांगा, मेरे से पढ़ लिया, फिर दूसरे वाले ने अलग चीज बता दी, तीसरे वाले ने अलग चीज बता दी, तीन चार से आप पढ़ोगे तो दो तीन तो घंटे खराब होंगे आपके, साथ ही साथ में आपका दिमाग भी एक प्रकार से अपसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, और पढ़ने वाले आप एक हो, तो इससे क्या होगा, आपके एक प्रकार से दिमाग में टेंशन सी हो जाएगी कि यार वो गुरु जी यह बताए और वो यह बताए, मकड़ो यह बताए। तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी एक चैनल ले लो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही चैनल आपको लेना है, उस चैनल से पढ़ लो। देखो सीधी सी बात, में तो ये जानता हूं कि 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप कितनी बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो। एक टॉपिक को आप 10 चैनल से देख रहे हो, एक टॉपिक को आप 10 बुक से पढ़ रहे हो, इससे अच्छा है कि उसी टॉपिक को एक ही बुक से या एक ही चैनल से 10 बार पढ़ लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी मेरी है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं आपने फटाफट रीडिंग लगा ली, रीडिंग लगा लोगे आपको याद हो जाएगा, एक बार आप याद कर लोगे, लेकिन भैया सीधी सी बात है कि कोई भी चीज को याद करने के लिए उसके लिए क्या आवश्यक होता है, रिविजन आवश्यक होता है। आप आज आपने पढ़ लिया, जैसे मान लो राष्ट्रपति पढ़ लिया, आज आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया, आपको राष्ट्रपति के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, 52 में 53 में ये है, 54 में ये है, 55 में ये है, ये कार्यपालिका प्रधान होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, सारा याद कर लिया, लेकिन 10 दिन बाद में अगर आपको कोई पूछेगा ना तो आप भूल जाओगे। क्यों भूलते हैं, कारण क्या है उसका पता है आपको? कारण यही है कि आपने इस राष्ट्रपति का क्या नहीं किया, रिविजन नहीं किया, रिविजन नहीं किया। अरे रिविजन देखो भैया, कोई भी काम कर लो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं हूं जैसे मान लो, मेरे को आप कहोगे कि गुरुजी मखड़ा घर आओ एक बार, या मैं आपको कहूं कि आप मेरे घर पे आओ तो मैं आपको एक दिन साथ में लेके आ जाऊंगा, तो आपको थोड़ा बहुत रास्ता याद हो जाएगा। फिर एक साल बाद में वापस कहूंगा कि देख भी तीन तन माड़ा घरा ले रहे हो ना, आज तुम माड़ा घर आओ तो देख काय बोल सो गुरुजी, मैं तो रास्ते ही भूल गया। क्यों भूल गए? क्योंकि इस बीच में आपने एक साल का गैप दे दिया। अगर मैं एक दिन आपको मेरे घर पे ले आऊं, 5-7 दिन बाद वापस ले आऊं, फिर मैं आपको कहूंगा ना कि आप मेरे घर पे आ, तो आप सीधे आ जाओगे डायरेक्ट नॉन स्टॉप, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे घर पे आने के लिए एक या दो बार प्रैक्टिस कर ली, रिविजन मार लिया, वो रास्ता आपके दिमाग में क्या हो गया, छप गया है, सेट हो गया है। इसी प्रकार से भैया कोई भी टॉपिक को पढ़ो उसका रिविजन करो, रिविजन कैसे करना है वो भी सुन लो। आज आपने जैसे मान लो 22 तारीख को, आज 22 तारीख है, 22 को आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया, छोड़ दो, लास्ट 7 दिन बाद में 29 तारीख को इसका एक बार वापस रिवीजन कर लो। राष्ट्रपति को एक बार बस मोटे मोटे शब्दों में वापस निकाल दो, निकाल दिया, 29 के बाद में 15 दिन का गैप दे दो, 15 अप्रैल को इसको वापस पढ़ लो। फिर आप अगर जिंदगी में राष्ट्रपति को भूल जाओ ना, तो आप मेरे को कहते ना कि गुरु जी अब मान राष्ट्रपति याद करनी, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन आपने पहली बार 22 मार्च को पढ़ा, अगली बार आप पढ़ रहे हो 22 दिसंबर को, तो सीधी सी बात है भैया एक दिन तो वो याद रहेगा, बाद में आपके सब साफ है। तो यहां पे 3 चीजें हो गई अपनी। सबसे मेन क्या करना है? नोट्स सबसे मेन है। देखो भैया सबसे बेस्ट कॉपी होती है जिसमें अपनी स्वयं की लैंग्वेज होती है, बुक की लैंग्वेज कई बार समझ में नहीं आती। बुक में इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कोई चीज टीचर से भी छूट जाती है, या यूट्यूब वाला भी, जैसे मैंने भी आप मान लो सारे चैप्टर पढ़ाए डिटेल से, लेकिन कई छोटी मोटी चीजें छूट जाती है, या हम जानबूझ के छोड़ देते हैं कि यार ये तो मोस्ट नहीं है, तो आपकी जो चीज नोट्स में नहीं है उसको बुक में आप अंडरलाइन कर लो। तीसरा यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर कोई भी एक चैनल, ये देखना कोई भी एक चैनल, उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लो। ये कोई जरूरी नहीं कि वो टीचर सारा सब कुछ बताए आपको, लेकिन वो मेरे ख्याल से आपको काफी मदद मिलेगी। इसके बाद में नंबर 4, आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक क्या ले सकते हो, डेस्क वर्क ले लो। अगर डेस्क वर्क नहीं लेना चाहते, अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, अगर नहीं लेना चाहते तो जैसे मान लो मेरे चैनल से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं,
तो मैंने हर पार्ट के बाद में भैया मोस्ट मोस्ट कितने थे क्वेश्चन बताए हैं, हर चैप्टर के 10 मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, उनको सोल्व कर लो। अगर वो आपको आ रहे हैं तो आपको डेस्क वर्क की जरूरत ही नहीं है। मैंने हर पार्ट के बाद में भैया मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, हर चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन बताए हैं। आप एक चैप्टर पढ़ लो, उसके क्वेश्चन देखो कि सर ने ये क्वेश्चन बताए, अपने को क्या ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनसे कर लो, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ना है। कैसे पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़े, दो चीजें मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु आता है भैया सबसे मेन, क्या नहीं पढ़े या क्या नहीं करें, क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। देखो यहां पर सबसे पहली बात, सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नहीं करना है आपको, परीक्षा तक आपका व्यवहार जो है वो कैसा रखना है, सकारात्मक रखना है। ये मत सोचना कि गुरुजी मार्क तो 11 को नहीं है, मार्क तो 50% ही कौन बने, मार्क तो 60 ही कौन बने, मैं तो गुरुजी फेल हो गया, ऐसा नहीं करना है भैया। बी पॉजिटिव, अपना व्यवहार पॉजिटिव रखो, दिमाग में ये सेट कर लो कि मेरे को सब कुछ आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है, अपने नकारात्मक सोचते हैं ना, तो उसके साथ में नकारात्मक ही होता है अपने। कई बार जैसे मान लो, कई बार अपने क्या होता है, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में अपना बिना टिकट के बैठ जावा, तो जब तक अपना स्टेशन नहीं आएगा तब तक अपने दिमाग में एक ही चीज रहेगी, यार टीटी नया जाए, यार टीटी नया जाए, कोई टीटी पकड़ नहीं ले, टीटी पकड़ नहीं ले, ये दिमाग में रहता है। और वो अपनी बात सही भी होती है, अपने नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव होता ही है उस टाइम पे, टीटी आता ही है और अपने पकड़े ही जाते हैं। तो अपने सोच कैसी रहनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, बाबर की तरह होनी चाहिए। बाबर नाम सुना है, मुगल शासक। देखो भैया हिंदुस्तान का, मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक था राणा सांगा, संग्राम सिंह के नाम से भी जो इतिहास में प्रसिद्ध है। मतलब जिस टाइम पे बाबर का साम्राज्य था, उस टाइम पे मेवाड़ का शासक कौन था, राणा सांगा था। राणा सांगा से आसपास के जितने भी शासक थे वो थर थर कांपते थे, डरते थे, इतना महान, इतना शक्तिशाली शासक था। पहली बार संपूर्ण राजपूताना, संपूर्ण भारत के जो हिंदू शासक है ना, वो राणा सांगा के साथ में हुए थे। इतना शक्तिशाली शासक था, एक हाथ नहीं था, एक पेड़ नहीं था, एक आंख नहीं थी, और शरीर के ऊपर 80 घाव थे, फिर भी आसपास के जो शासक थे वो उससे डरते थे, इतना शक्तिशाली शासक था। बाबर खुद डरता था, खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध से पहले बाबर की सेना ने मना कर दिया था कि हम तो इससे साथ नहीं लड़ेंगे, क्यों, क्योंकि महान शासक था, शक्तिशाली शासक था। बाबर की सेना जो थी ना, बाबर की सेना की दोगुना सेना थी किसकी, राणा सांगा की सेना। लेकिन बाबर के अंदर क्या था उस टाइम पे, कॉन्फिडेंस था। बाबर में कॉन्फिडेंस था कि मैं युद्ध करूंगा और मैं विजय होऊंगा। हालांकि मैं यही नहीं कह रहा भैया कि राणा सांगा कमजोर शासक था, मैं यही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान में अगर शक्तिशाली शासकों की बात की जाती है तो अपने मेवाड़ रियासत के राणा सांगा का नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से बाबर ने हार नहीं मानी थी, बाबर ने कहा था कि या तो जीत जाऊंगा या मर जाऊंगा लेकिन युद्ध करूंगा, तो आपको भी आपकी सोच कैसी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। आप तो ये दिमाग में चलो कि जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, पॉजिटिव सोच लेकर आपको चलना है, क्लियर है। दूसरी बात भैया, अब जो कमेंट आ रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। शेखावाटी मिशन 100। देखो भैया मैं शेखावाटी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, सीकर जिले का मैं रहने वाला हूँ, और हमारे इधर क्या है कि जो आसपास में का शेखावाटी क्षेत्र के जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, हर चैप्टर से 50-60 क्वेश्चन मोस्ट करके और शेखावाटी मिशन के नाम से मोस्ट क्वेश्चनों का एक पेपर निकालते हैं, ठीक है। और ये हमारे ही नहीं निकालते, हर जिलों में निकालते हैं, उदयपुर में देख लो वहां पे भी निकाला हुआ है, जयपुर वालों ने भी निकाल रखा है, कोटा बूंदी उस साइड का ने भी निकाल रखा है। हर क्षेत्र के टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट क्वेश्चन निकालते हैं।
अब एक बात बताओ, एक चैप्टर से कितने मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं? 15, 20, 30, 40, 50। अगर एक चैप्टर से 50 से 70 क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट दे दिया तो सीधी सी बात है यार, इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही। एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 30 बन जाएंगे, 20, 25, 30, 40 इतने तो बनते हैं। अब मैंने 50 से 70 क्वेश्चन दे दिया तो सीधी सी बात है उनमें से आएंगे। अब मैंने कल एक वीडियो डाला था हिस्ट्री का, सिखावाटी मिशन के क्वेश्चनों का। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, गुरुजी मानव लिंक दो, मानव दो और मानव पीडीएफ पेज दो और मानव पेपर दो और वो दो। अरे करोगे क्या ये बताओ मुझे। मैंने कल सिखावाटी मिशन का डाला था, आज मैं जयपुर वाला डाल दूंगा, कल उदयपुर वाला डाल दूंगा, परसों बीकानेर वाला डाल दूंगा। आप कितने पढ़ोगे? अभी मैंने क्या बताया, सबसे मेन है आपके नोट्स, आपकी बुक। कोई भी पेपर हो, कोई भी सिखावाटी मिशन हो, चाहे उदयपुर मिशन हो, चाहे जयपुर मिशन हो, चाहे मारवाड़ मिशन हो, कोई भी मिशन हो भैया, सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो किससे आएंगे? आपकी बुक से आएंगे, बुक से बाहर नहीं आएंगे। और मोस्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, उतना याद कर लोगे तो बहुत है मेरे ख्याल से। जो स्टूडेंट मेरे से स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, जिसने मेरे द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चन याद किए हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं वो स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होगा, अगर उसने ईमानदारी से याद किया है। ऐसे नहीं कि मैंने पेपर डाल दिया, 15 क्वेश्चन डाल दिया, आपने कमेंट कर दिया हाँ गुरुजी 15 15 हो, ऐसा नहीं करना। ऐसा करके आप अपने को धोखा दे रहे हो, मेरे को धोखा नहीं दे रहे हो। मैंने क्वेश्चन डाल दिया, आप क्वेश्चन देखो कि आपको 10 ही आ रहे, 5 कौन से नहीं आए, उनको आप तैयार करो, तब तो आप सही दिशा में हो, वरना आप अपना स्वयं का लॉस कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है भैया, एग्जाम का टाइम है, यूट्यूब पे आप देखो कई पेपर डाल देंगे हर कोई उठा के। एक यूट्यूब चैनल वाला है, वह हिस्ट्री के भी डाल रहे हैं, वह पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के, इंग्लिश के, हिंदी के, क्या ऐसा संभव है क्या? मैंने आज तक आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बताए। क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है अदर सब्जेक्ट का। मैं क्यों आप लोगों को भ्रमित करूं, क्यों आप लोगों को बेवकूफ बनाऊं? मैं भी उठा के आपको डेस्क वर्क से, पासबुक से या और किसी से कोई मॉडल पेपर उठा के आपको दे सकता हूं, अपने व्यूज बढ़वा सकता हूं, लेकिन क्या मतलब है उससे मैं आप लोगों का लॉस क्यों करूं? तो कहने का मतलब है भैया, इन चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है। और फिर भी अगर आपकी किसी की इच्छा हो कि गुरुजी मान दो चाहे जी मैं तो पढ़ दी श्या, तो एक काम करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा भैया, ठीक है? अब कई लड़के बोलते हैं गुरुजी लिंक भेज दियो, वो भेज दियो, भैया भेज दियो। देखो सीधी सी बात है, मैंने ये जो ऑनलाइन क्लास वाला सिस्टम है, मैंने अभी 3-4 महीनों में स्टार्ट किया है, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कैसे तो भेजते हैं, कहां से लिंक लेते हैं, क्या करते हैं, इतना अनुभव भैया मेरे को नहीं है। जिसको आपको चाहिए वो उनको मैं उदयपुर वाले भी दे दूंगा, बीकानेर वाले भी दे दूंगा, जयपुर वाले भी दे दूंगा, सिखावाटी वाले भी दे दूंगा, सब दे दूंगा, लेकिन पढ़ोगे कब? मैं तो ये पूछ रहा हूं। आपकी जो मेन चीज है, आपके नोट्स है, आपकी जो बुक है, वो ही तैयार नहीं, इनका आप करोगे क्या? तो कहने का मतलब ये है भैया, लिमिटेड मैटर आपके पास में जो है, जो सिलेक्टेड मैटर है, उसी को पढ़ो, बिना मतलब में इधर उधर से क्वेश्चन को इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? तीसरी बात करते हैं भैया, अब देखो एक चीज और, अपने 12वीं क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है, इस हिस्ट्री की बुक में देखो भैया कई गलतियां हैं। राजा राममोहन राय के टॉपिक में भी गलतियां हैं, अपने सेकंड जो चैप्टर है उसमें भी कई गलतियां हैं, अपने 5वें चैप्टर में कई गलतियां हैं, 7वें चैप्टर में अपने प्रजामंडल आंदोलन है उसमें कई गलतियां हैं, अपने 1857 क्रांति में कई गलतियां हैं। तो मैं क्या करता हूं भैया, उन गलतियों को सुधार के आपको वीडियो पेश करता हूं। अब वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलो गुरु जी किताब में तो वो लिखे है थे, वो बता दियो, किताब में तो गुरु जी ये लिखे है वो बता दियो। तो ऐसा नहीं करना भैया, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सोच समझ के तो बता रहा हूँ ना डेट। जैसे मान लो गोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में, आपकी बुक में देखना गोगीलाल का नाम ही नहीं है, हरदेव जोशी लिखा हुआ है, ठीक है? राजा राममोहन राय वाले में देखना मैंने कई सने चेंज किए, 1857 क्रांति वाले में देखना लक्ष्मीबाई वगैरह वहां पे मैंने कई चीज चेंज किए। तो ये सारी चीजें आप पहले कंफर्म कर लिया करो, बाद में आप कमेंट करो, तो मेरे को भी ऐसा लगे कि हाँ वाकई में। अब इसी मेरे से कल परसों गलती हो गई, मैंने समुद्रगुप्त को मौर्य वंश का शासक बता दिया, वो इसलिए हो गया भैया क्योंकि मैं कोची में गुप्त शासक पटाके आया था, गुप्त वंश के शासक पटाके आया था मैं, और यहाँ आते मैंने वो वीडियो बना दिया,
तो वीडियो बनाने के बाद में वो मेरे दिमाग गुप्त तो रह गया और गुप्त ही मैंने बता दिया, तो मैंने तुरंत आपको कमेंट करके मेरी गलती स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों का किसी प्रकार का क्या हो, लॉस हो, समझिए। तो ये था भैया अपने आज का वीडियो। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रही होगी। अगर अब भी आपके किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। एक चीज और चर्चा कर लेते भैया, गुरुजी ये पढ़ाओ, गुरुजी वो पढ़ाओ, आते हैं कमेंट ऐसे। गुरुजी मान आ चीज तो पढ़ाई को नहीं, गुरुजी आ चीज तो पढ़ाई को नहीं, गुरुजी वो पढ़ा दो, गुरुजी वो पढ़ा दो, गुरुजी यहां पढ़ा दो, गुरुजी भी यहां पढ़ा दो। अब मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं साफ साफ, पॉलिटिकल का सिलेबस पूरा हो चुका है, पॉलिटिकल के हर चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन भी उपलब्ध करा चुका हूं। बड़े क्वेश्चन तो है ना जो मैंने आपको दिए है ना पॉलिटिकल साइंस में, तीन तीन वाले तो दो दे दिए मैंने, छह क्वेश्चन तो वो हो गए, और हर पेपर में दो दो तीन तीन दिए, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन दे दिए, उनसे बाहर नहीं आएगा, पहली बात। अब कमी कहां रही है पॉलिटिकल वालों में, छोटे क्वेश्चन की कमी रही है। तो 4 से 5 दिन निकाल दो या लास्ट होली तक मान लो, होली से आपके पॉलिटिकल के और हिस्ट्री के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे भैया, समझ लो। टेस्ट लेंगे बाद में अपने सरासर, फिर आप अपना वहां पे आकलन कर लेना कि यार मेरी तैयारी कितनी है। वीडियो मैंने सारे उपलब्ध करा दिए आपको, सारे मोस्ट क्वेश्चन बता दिए, अब आपको याद कितना है, कितना का आपने पढ़ा है, कितना का आपके दिमाग में सेट है, उन चीजों के लिए अपने एग्जाम से पहले मैं आपके 8 से 10 टेस्ट लूंगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल के। अब हिस्ट्री में देखो क्या क्या और पढ़ाऊंगा, 1919 का अधिनियम जो मैं पढ़ाऊंगा, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी चीजें पढ़ा चुका हूं। 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, दो टॉपिक तो ये पढ़ाऊंगा। बेंगू किसान आंदोलन, निमोचना किसान आंदोलन 4, गोविंद गुरु 5 और सिंधु घाटी सभ्यता 6, ये 6 टॉपिक हिस्ट्री में आपको और पढ़ाऊंगा। इसके बाद में अपने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन और टेस्ट, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आपकी एग्जाम तक, ओके भैया। तो ये था अपने आज के वीडियो की मेन बातें, मैं सारी बातें आपके सामने क्लियर कर चुका हूं। अब भी अगर आपके किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ओके भैया, दैट्स ऑल।